में आप केवल 2 दिन का उपवास रखें या 9 दिन पानी पीकर गुजारें, श्रद्धा में भूखे रहने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। लेकिन व्रत उपवास के दायरे को परखते हुए हम एक ऐसी अकल्पनीय दुनिया से रूबरू हुए जहां पर एक व्यक्ति 75 साल से न कुछ खा रहा है न पी रहा है लेकिन फिर भी तंदुरुस्त है। तो एक ऐसा इंसान भी हमें मिला जो सिर्फ धूप खाकर यानी सूरज की ऊर्जा खाकर पूरी तरीके से भला चंगा नजर आता है। ये दुनिया वाकई अविश्वसनीय है। कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, पर जो बिना खाए जिए वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त, आज सुनिए उन अद्भुत भक्तों की दास्तान। नवरात्र के दौरान 9 दिन केवल जल पीकर व्रत करने वालों की ऊर्जा अगर अविश्वसनीय है तो देवी का नाम लेकर ताउम्र भूखे रहना अकल्पनीय। क्या ये देवी का आशीर्वाद है या अद्भुत इंसानों का एक बिल्कुल अलग जहां? आप प्रधानमंत्री मोदी के उपवास वाले विश्व भ्रमण को देखकर उनकी ऊर्जा पर आश्चर्य करते होंगे। अब तो यूपी के सीएम का कामकाज भी दुनिया के सामने है। यह हमारी सदियों पूरी परंपरा है। अबाल वृद्ध सभी नवरात्रि के पर्व में मां शक्ति की उपासना करते हैं। नवरात्र के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत इच्छा शक्ति की चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं उसमें 9 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए रह पाना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 40 साल से नवरात्र का उपवास रखते आ रहे हैं। 2014 में नवरात्र के दिनों में नरेंद्र मोदी ने उपवास रखते हुए धुआंधार चुनावी प्रचार किया। इस दौरान सिर्फ नींबू पानी और कुछ फलाहार ही उन्होंने लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिकी दौरे पर गए तब भी वो नींबू पानी पर ही रहे। जब व्हाइट हाउस में ओबामा ने खाने पर मोदी को आमंत्रित किया तब भी उन्होंने सिर्फ 1 ग्लास गर्म पानी ही लिया। ओबामा भी उनकी एनर्जी पर हैरान थे। कहा जाता है कि मोदी तमाम व्यस्तता के बावजूद 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। Prime Minister is fasting and we keep taking him to dinners and lunches. As we Catholics would say, that's an occasion for sin. We appreciate the fact he has spent so much time with us. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी नवरात्र में इसी तरह का कठोर उपवास रखते हैं। वो 9 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करते, सिर्फ पानी और शाम को थोड़ा सा फलाहार ही उनकी दिनचर्या में शामिल है। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी गोरखनाथ धाम में बने अपने पूजा कक्ष में गहन साधना करते थे और अष्टमी वाले दिन ही उससे बाहर निकलते थे। इस बार उनकी जिम्मेदारियां बदली हैं, लेकिन नवरात्रों के प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने नवरात्र के पहले दिन फलाहार पार्टी का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया। उसमें महाराज जी पूरा 9 दिन व्रत रहते हैं। 9 दिन व्रत ही नहीं रहते हैं, 9 दिन वो ऊपर से नीचे नहीं उतरते हैं, और जो कुछ भी उनका क्रियाकलाप जो भी होता है अपना क्रियाकर्म वो ऊपर ही करते हैं। पूजा पाठ वगैरह वगैरह सब कुछ वही करते हैं, पूजा पाठ जाप हवन सब कुछ ऊपर ही करते हैं। वो 9 दिन के बाद 10वें दिन ही उतरते हैं। नवरात्र में एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीजें मिलती हैं और इस सब के बीच ऐसा उपवास करने वालों की कमी नहीं है, और साथ में वो काम करते हैं इतना ज्यादा, वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन अगर आप इसे देखकर ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो आइए आपको देवी माँ के सबसे बड़े भक्त से मिलवाते हैं। वो स्वघोषित तो हैं, लेकिन 86 साल की उम्र में पिछले 75 सालों से न कुछ खाया है न पिया है लेकिन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। कोई कहता है ये अजूबा है, कोई कहता है असंभव, कोई कहता है ये शक्ति है, कोई कहता है ये चमत्कार है, कोई उन्हें अम्बे माता जी कहकर पूजता है, कोई उनमें विज्ञान की रहस्यमयी पहेली देखता है। 75 साल से ज्यादा हो गए लेकिन गुजरात के प्रहलाद जानी ने न अन्न का एक दाना अपने मुंह में डाला है और न ही पानी की एक बूंद उनके हलक से नीचे उतरी, लेकिन वो जिंदा है
स्वस्थ हैं किसी भी आम इंसान की तरह। ऐसे तो माता जी, चुंदरी वाले माता जी न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, वे ऐसे अन्न जड़ के बिना रहते हैं, सारे विश्व के लोग वे जानते हैं। इसी तरह माता जी उनको प्रसन्न है, इसीलिए माता जी कुछ खाते पीते नहीं। देश दुनिया के तमाम डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने उनके शरीर पर न जाने कितने ही प्रयोग कर डाले, कितनी ही रिसर्च उनकी दिनचर्या पर हो गई, लेकिन 86 साल से ज्यादा की उम्र में भी बिना खाए प्रहलाद जानी जिंदा कैसे हैं, इस सवाल का जवाब अब भी किसी को नहीं मिला। माता जी तो पानी भी नहीं पीते, तो कैलोरी तो 500-600 भी नहीं है, मतलब बॉडी के सेलुलर मैकेनिज्म को चलाने के लिए बिल्कुल कैलोरी नहीं है, तो मतलब ये लोग जीते हैं ऊर्जा के ऊपर। प्रहलाद जानी माता जी जब सिर्फ 11 बरस के थे तब से उन्होंने अन्न जल पूरी तरह त्याग दिया था। उन्होंने बताया कि ऐसा एक दैवीय अनुभव के बाद हुआ। दिवस बार बार माँ कार्य माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती पेन बहनाई मैंने कि चलो हमारे साथ मैंने कहा आप तैयार छे तैयार छो पशु मित्र प्रतिमा तो शू करी छो तमारा आजथी बधुं बंद खावा पीवानो त्यांथी बंद थई गयो छो 7મી ઉંમરે। प्रहलाद जानी ने इसे देवी शक्ति का वरदान माना और धीरे धीरे अपना रूप भी वैसा ही कर लिया। आसपास के लोग उन्हें देवी माँ का रूप मानकर पूजते हैं और उन्हें माता जी कहा जाता है। ये बात प्रहलाद जानी और आस्थावान लोगों के लिए अद्भुत दैवीय शक्ति थी, लेकिन विज्ञान ने इसे चुनौती माना और माता जी प्रहलाद जानी के दावे को अपनी कसौटियों पर परखने का फैसला किया। विज्ञान के मुताबिक इंसान की उम्र, कद, काठी और पेशे के हिसाब से उसे अनिवार्य ऊर्जा की जरूरत होती है। आमतौर पर 5.5 फीट लंबे और लगभग 55 किलो के 30 साल के व्यक्ति को 1300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। प्रहलाद जानी माता जी की उम्र, कद, काठी और वजन के हिसाब से उन्हें कम से कम 1000 कैलोरी ऊर्जा रोज चाहिए। प्रहलाद जानी को जिंदा रहने के लिए कम से कम 1000 कैलोरीज की आवश्यकता है, लेकिन अपने खुद के दावे के मुताबिक न तो वो कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, केवल हवा पर जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुमकिन कैसे है और इसे ही आधार बिंदु बनाकर वो अपने शोध को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन कम से कम आम इंसानों को तो इतने कैलोरीज की आवश्यकता होती ही है, वो हवा पर नहीं चल सकते। 2003 और 2005 में दो बार उनके शरीर की जांच की गई, जिसमें देश विदेश के 45 डॉक्टर्स का एक दल शामिल हुआ। उनके साथ 7 DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। DRDO के वैज्ञानिक इस जांच के जरिए ये जानना चाहते थे कि अगर वाकई कोई जीन प्रहलाद जानी में ऐसी है जिससे बिना खाए पिए लंबे वक्त तक जिंदा रहा जा सकता है, तो वो इसे डेवलप करके सियाचिन और दूसरी दुर्गम जगहों पर तैनात रहने वाले सैनिकों के काम में ला सकते हैं। इंडिया इज नाउ प्रपोजिंग टू हैव मिशंस टू मून, मैन्ड मिशन टू मून एंड इन द लॉन्ग रन टू मार्स आल्सो। सो हाउ people can survive this strategy, if we understand how people are surviving without food and water, that may help us in working out strategies for making people to live without food or water for longer duration. अहमदाबाद के एक मशहूर अस्पताल में माताजी प्रहलाद जानी को लाया गया और उन्हें 10 दिनों तक 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रखा गया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI मशीन से उनके शरीर को स्कैन किया गया, हृदय और मस्तिष्क की क्रियाओं की जांच की गई, ब्लड सैंपल की जांच की गई। जब वो बिस्तर छोड़ते तब भी कैमरे हर समय उनके साथ रहते, लेकिन किसी भी जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, न ही भूखे प्यासे रहने का उनके शरीर पर कोई असर पड़ा। असंभव है हमारे लिए समझना, फिर भी हमने ये देखा कि ये सत्य है, तो उसके लिए हाइपोथेसिस यही है कि ये लोग
कॉस्मिक एनर्जी से अपना चक्र चलाते हैं, उसमें माइंड का पावरफुल रोल रहता है, उसके साथ साथ उनके अंदर जो अपनी ब्लेसिंग्स और गुरु की शक्ति वगैरह का भी रोल हो सकता है, उसमें बिलीफ सिस्टम काम करती है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रहलाद जानी के सामने खाने की कोई भी चीज डाल दी जाए, न तो उनके मन में कोई इच्छा उठती है और न ही उनके अंदर कोई जरूरत। उनके इन दावों को पहले हंसी मजाक में टाल दिया जाता था। उन्हें डॉक्टरों की तरफ से चुनौती भी दी गई कि वो पूरी तरीके से हर वक्त 24 घंटे मॉनिटर किए जाएंगे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और जो नतीजा सामने आया उसके सामने विज्ञान को हथियार डाल देने पड़े। प्रहलाद जानी पूरे 10 दिन तक आराम से टहलते रहे, सोते रहे, बोलते रहे और डॉक्टर्स उनकी जांच करते रहे। सबसे ज्यादा ध्यान खून में मौजूद हीमोग्लोबिन पर दिया गया क्योंकि यही शरीर के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन से 9 दिन तक उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर 10.8 से 12.9 के बीच रहा, यानी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। विज्ञान कहता है कि एक आम इंसान के शरीर का 65% हिस्सा पानी होता है। इसी पानी में शरीर के पोषक तत्व और हार्मोन्स होते हैं। ये पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, जोड़ों के बीच कुशन का काम करता है और आंखों को तरल बनाए रखता है। खाने के बगैर हम कई हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर 5-7 दिन से अधिक जिंदा रहना नामुमकिन है। पर प्रहलाद जानी के शरीर के आगे ये थ्योरीज भी फेल हो गई। उसकी उपासना, उसकी भक्ति से जो शक्ति हमारे अंदर होती है, वो जो शक्ति सोई हुई होती है, जो सुप्त अवस्था में होती है, वो जागृत हो जाती है और उससे मनुष्य के अंदर आत्मबल, अध्यात्म बल और शारीरिक बल इस मात्रा में बढ़ जाता है कि उसे जो भारी वस्तु जिस पर वो निर्भर है, मुख्य रूप से अन्न और जल, उसकी आवश्यकता धीरे धीरे क्षीण होनी पड़ती है और माता के आशीर्वाद से मनुष्य अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करके बाहरी आवश्यक वस्तुओं के बिना भी जीवित रह सकता। आपकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी विल पावर कितनी है, ये सबसे ऊपर आता है इस चीज के अंदर। अगर हम कोई चीज ठान लेते हैं कि हमें ये चीज करनी है और वो चीज में हमने मेंटली अपना माइंडसेट कर लिया है तो हम इसको एक लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हैं। और उस केस में जब हम ऐसे फास्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम सुप्रीम पावर से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हम अपने आत्मा की खोज में जाते हैं, अपने इनर सेल्फ को डिस्कवर करते हैं और वो सुप्रीम पावर हमारे को उतनी स्ट्रेंथ देती है कि हम अपने आप को उतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि भूख, प्यास, आसपास के एनवायरनमेंट हमारे को इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ अद्भुत बात यह है कि माताजी प्रहलाद जानी ने अगर 75 बरस से कुछ नहीं खाया पिया है तो 75 बरस से ही उन्होंने मल मूत्र का त्याग भी नहीं किया। इस बात ने वैज्ञानिकों को सबसे अधिक चौंकाया क्योंकि ये असंभव है। डॉक्टर्स ने अपनी जांच में देखा कि रोज उनके शरीर में 70 मिलीलीटर यूरिन बनता था, लेकिन गॉल ब्लैडर की सदहों के पास जाकर वो गायब हो जाता था, जैसे वो खून का हिस्सा बन जाता। डॉक्टर्स ने बहुत पड़ताल की, लेकिन वो यूरिन कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चल सका। At the end of the project, our conclusion was, प्रोजेक्ट के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रहलाद जानी जी ने 10 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, उन्होंने 10 दिन तक स्टूल और यूरिन भी पास नहीं किया। मैंने ही उनकी सोनोग्राफी की, दिन में 2 बार 7 दिनों तक। रिजल्ट्स में उनके शरीर में यूरिन बन रहा था, कभी 400 ml, कभी 300 ml, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो शरीर से गायब हो गया। प्रहलाद कहते हैं कि यूरिन उनके जिस्म ने सोख लिया। विज्ञान के मुताबिक स्वस्थ शरीर में लगभग 1.5 लीटर यूरिन रोज पास होता है। बगैर पानी या किसी भी तरल पदार्थ के 1-2 दिन गुजर जाने पर शरीर में यूरिन बनना बंद हो जाता है। खाते समय कुछ भी निगलने में परेशानी होती है, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, खून का प्रवाह त्वचा तक पहुंचना रुक जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर नीला पड़ने लगता है। 3-5 दिन के अंदर ही शरीर के ज्यादातर अंग और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। जो हमारी सामान्यतः रिक्वायरमेंट होती है वो यूरिन प्लस
एक से डेढ़ लीटर, मतलब मिनिमम एक आदमी को डेढ़ दो लीटर लिक्विड पर डे लेना चाहिए। नहीं लेता है तो उसकी आपका जो कैटाबॉलिज्म हो रही है, यूरिया बन रहा है, क्रिएटिनिन बन रहा है, वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट बेहोश हो जाएगा, यूरेमिया में चला जाएगा। डॉक्टरों ने अपने निष्कर्ष में कहा कि उनके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से जाने अनजाने उन्हें कहीं कोई ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा क्या है कोई नहीं बता सका। आपको एक हिंदी फिल्म याद होगी जिसमें एक एलियन था जिसका नाम था जादू। जादू सिर्फ धूप खाया करता था, लेकिन हम आपको असली दुनिया के उन अद्भुत इंसानों से अब मिलवाते हैं जो खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ धूप का इस्तेमाल करते हैं। साल के हीरा रत्न मानिक जब इस तरह सूरज को घूर रहे होते हैं तो उस वक्त वो सूरज की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को खा रहे होते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन न सिर्फ उनकी बल्कि विज्ञान की अच्छी खासी परख रखने वाले विशेषज्ञों की राय भी यही है कि सूरज की ये रोशनी ही उनका प्रमुख भोजन है। जैसे कहते हैं वो सूर्य में से एनर्जी ड्राइव करते हैं, जैसे अपने आँख के पीछे एक रेटाइनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट होती है, रेटाइने में से वो हाइपोथैलेमस में जाती है और वहाँ से पिनियल ग्लैंड के अंदर नर्व्स जाती है। पिनियल ग्लैंड में फोटोरिसेप्टर मटेरियल था पहले, जो लोअर एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस में वो थर्ड आई इंटरनलाइज हो गई और वेस्टिबुलर स्ट्रक्चर हो गया, वो स्ट्रक्चर काम कर नहीं रहा। लेकिन अगर ये पिनियल ग्लैंड को जागृत किया जाए, जो अपनी तांत्रिक विज्ञान में जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो पॉसिबल है कि ये सूर्य की शक्ति या ऐसी कोई कॉस्मिक एनर्जी एक ये रूट से अंदर जा सकती है। 1992 में फैमिली बिजनेस से रिटायर होने के बाद हीरा रत्न मानिक ने पौराणिक काल में सूरज से ऊर्जा हासिल करने वाली तकनीक का अध्ययन शुरू किया। रिसर्च के दौरान जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की उस शक्ति ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिसके मुताबिक वो सूर्य की रोशनी से ऐसी ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो सूर्य की रोशनी मस्तिष्क में जाएगी, धीरे धीरे मस्तिष्क के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो एक्टिवेट होगा और मनुष्य के अंदर जो दबी हुई छिपी हुई ईश्वरीय शक्तियां वो जागृत होगी और इस यात्रा में उनको स्वयं ही अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, आंख अच्छी होती जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। हीरा रत्न मानिक का दावा है कि 3 साल की कड़ी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने धीरे धीरे खाना छोड़ दिया और सिर्फ पानी पर आ गए। बाद में उन्होंने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया और सिर्फ सूरज की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा का आहार करने लगे। हीरा रत्न मानिक कहते हैं कि सही प्रैक्टिस से इसे कोई भी कर सकता है और इसके कई फायदे भी हैं। मेरा माइंड एकदम बैलेंस और स्थिर हो गया है, मैं अपनी निर्णय शक्ति बढ़ गई है, मेरी याद शक्ति बढ़ रही है। मेरे को तो बहुत फायदा लगता है, पहले तो आँख में खुजली होती थी, अभी अच्छा लगता है, और सर में इतना दर्द होता था कि घर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, अभी अच्छा लगता है। विज्ञान कहता है कि 72 घंटों तक अगर शरीर को भोजन न मिले तो व्यक्ति धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मानिक के दावे इसे चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक भोजन से भी पहले की कड़ी है सूर्य की ऊर्जा जिससे सारी दुनिया चलती है। उन्हें अब भी शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो सीधे सूर्य से इसे ग्रहण करते हैं।
सूर्य से ही हमारा खाना बनता है, कृषि उत्पादन बनता है, तो हम जो कुछ आहार लेते हैं दूसरी कक्षा की सेकेंडरी फॉर्म है, यह शरीर के अंदर यंत्र तंत्र हैं कि ओरिजिनल आहार हम लेते हैं। मेडिकल साइंस का ही 1900 के साल का ये एक सोच है कि सोलर रेडिएशन इज द ओरिजिनल फूड ऑफ ह्यूमैनिटी। हीरा रत्न मानिक के दावों को परखने के सार्वजनिक प्रयास हुए, जिसके तहत 1995 में कैलिकट में वो 211 दिनों तक विशेषज्ञों की देखरेख में रहे। बाद में 2001 में अहमदाबाद में 411 दिनों तक उन्हें मॉनिटर किया गया। पाया गया कि वो वाकई कुछ खाते पीते नहीं, केवल सूर्य की ऊर्जा पर जीवित रहते। फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी थॉमस जेफरसन में उन पर 130 दिन तक रिसर्च की गई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हीरा रत्न मानिक के दिमाग की कोशिकाएं अच्छी तरह काम कर रही थीं और वो लगातार सक्रिय थीं और पीनियल ग्लैंड पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। एक वीडियो में यह दावा किया गया कि हीरा रत्न मानिक को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा गया, लेकिन हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते कि वो कब की, क्योंकि हीरा रत्न मानिक की वेबसाइट के मुताबिक वो सामाजिकता के लिहाज से कभी कभी चाय या कॉफी ले लेते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खाते। फिलहाल हीरा रत्न मानिक दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्य से सीधे ऊर्जा लेकर जीवन जीने की कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हीरा रत्न मानिक इसे सन गेजिंग आर्ट कहते हैं, यानी कि सूरज को घूरना। लेकिन दुनिया में इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है, ऐसे लोगों को ब्रेथरियंस कहा जाता है। ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और दावा करते हैं कि ये न कुछ खाते हैं न पीते हैं, केवल सूरज की ऊर्जा पर जिंदा है। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जैस्मुहिन है। इनका दावा है कि वो बिना खाए पिए कई कई महीनों जिंदा रह सकती है और इसके लिए उन्हें सिर्फ सूर्य की रोशनी की ही जरूरत होगी। जैस्मुहिन का दावा है कि 1992 में उन्होंने योग के जरिए अपने अंदर की इस शक्ति को महसूस किया था। हालांकि एक टीवी चैनल ने जब उनके साथ ये प्रयोग करना चाहा तो उनकी सेहत बिगड़ने लगी। जैस्मुहिन ने इसके लिए वातावरण के प्रदूषण को दोषी ठहराया और जब वो डॉक्टर्स के साथ पहाड़ों की स्वच्छ आबोहवा में गई तो उन्होंने अपना दावा सच कर दिखाया। इसी तरह का दावा करने वालों में शामिल है ब्रेथेरियंस इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के संस्थापक विली ब्रूक्स। ब्रूक्स का दावा है कि वो 30 साल से सिर्फ हवा और सूरज की रोशनी पर ही निर्भर है और ऐसा वो कई टीवी शोज में करके दिखा भी चुके हैं। We eat because we don't have enough energy. But what happens? हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन सूरज की रोशनी में होने की वजह से मेरी वो जरूरत पूरी हो जाती है, जिसके बाद हमें भूख नहीं लगती। So there's no need to eat. That doesn't mean I have not been eating for 30 years. अस्सी साल के होने को आए विली का दावा है कि अगर प्रदूषित भोजन, प्रदूषित हवा, विद्युत प्रदूषण और इंसानों के जरिए होने वाले प्रदूषणों से इंसान दूर रहे तो स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। यही वो सिद्धांत है जिसके चलते वो धीरे धीरे ब्रेथरियन बन गए। एक शोध के मुताबिक ब्रेथरियनिज्म का सिद्धांत हिंदू सभ्यता के प्राण तत्व पर आधारित है। आयुर्वेद के अनुसार हमें प्राण सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं, जो किसी पौधे या फल के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। ब्रेथरियंस का दावा होता है कि वो खुद को सीधे सीधे सूर्य की ऊर्जा से जोड़ लेते हैं, जिसके चलते उन्हें किसी और चीज को खाने या पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धर्म और विज्ञान के बीच झूलती इन मान्यताओं में अंतिम निष्कर्ष अभी बाकी है, लेकिन हम आपको एक ऐसी घटना जरूर सुनाते हैं जिसमें खुद ब खुद एक चेतावनी छुपी है।
चातुर्मास के पवित्र दिनों में 68 दिनों के उपवास के बाद 13 साल की आराधना की मृत्यु हो गई। जैन धर्म में चातुर्मास का काफी महत्व होता है और इन दिनों में व्रत उपवास की काफी पुरानी परंपरा है। आराधना उसी के तहत इस उपवास को कर रही थी। हैदराबाद की रहने वाली आराधना ने इन 68 दिनों तक न कुछ खाया था न पिया था, वो सिर्फ धार्मिक आस्था के विश्वास पर चल रही थी। सारे नाते रिश्तेदारों के बीच वो एक तपस्वी का दर्जा पा चुकी थी और लोग उनके दर्शन को दूर दूर से आ रहे थे। उन्होंने 68वें दिन जैसे ही अपना उपवास खोला उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मृत्यु हो गई। इस दौरान उनके परिवार ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बेटी को दिव्य शक्ति प्राप्त है। उनका यह विश्वास इस आधार पर था कि इससे पहले 35 दिनों का उपवास वो रख चुकी थी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी धर्म में बच्चों, वृद्ध, बीमार और गर्भवती महिलाओं को कठोर उपवास से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी उपवास को धारण करने के लिए शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और वैचारिक शक्ति बहुत मायने रखते हैं। विज्ञान के मुताबिक खाने के बगैर जीवित रहना कई पहलुओं पर निर्भर करता है, जैसे शरीर का वजन, आनुवांशिक तब्दीलियां और सबसे ज्यादा पानी पर। जब कोई इंसान बिना खाना खाए रहता है तो शरीर कई बदलावों से गुजरता है। ये बदलाव शरीर को ऊर्जा के दूसरे स्रोत ढूंढने के लिए वक्त देते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाने को पचाता है और खाने में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लाइकोजन वो कण होते हैं जिनमें ऊर्जा मौजूद होती है। इससे ग्लूकोज पैदा होता है। इसी ग्लूकोज से खून में ऊर्जा पहुंचती है। वैसे तो ग्लूकोज शरीर में 6 घंटे तक ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन उस ऊर्जा से आपको 24 से 48 घंटे तक भी काम चल जाएगा। उसके बाद आपके शरीर कीटोसिस की हालत में चला जाता है, जिससे शरीर में कीटोन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन दिमाग को रोजाना 120 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो शरीर को दिमाग के लिए कोई बैकअप प्लान तैयार करना होता है। तीसरे दिन यानी 72 घंटे के बाद शरीर पर असर दिखना शुरू हो जाता है। एक बार फैट खत्म होने लगता है तो शरीर फिर प्रोटीन से ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। प्रोटीन जो मांसपेशियों में होता है वो अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अब दिमाग जिसको 120 ग्राम ग्लूकोज हर रोज चाहिए, उसको 30 ग्राम ग्लूकोज ही मिल रहा होता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म इस कदर कम हो जाता है कि शरीर की आदत हो जाती है कम से कम ऊर्जा इस्तेमाल करने की, और धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। उपवास की मान्यता सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर धर्म में किसी न किसी तरीके से व्रत उपवास का जिक्र आता है। पर क्या व्रत और उपवास केवल धार्मिक मान्यता से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है? हर धर्म में उपवास का व्रत धारण करने की परंपरा है, क्योंकि हर धर्म में ईश्वरीय व्यवस्था का अनुभव करने का यही तरीका बताया गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपवासों के दौरान कोई भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और तब वो ईश्वर के ज्यादा नजदीक होता है। ईसाई धर्म में 41 दिन के राख उपवास रखे जाने का चलन है, जबकि इस्लाम में लगभग 30 दिन के कठोर रोजे रखे जाते हैं। इस तरह जैन धर्म में चातुर्मास के दौरान कठोर उपवास रखे जाते हैं। ये जो रिलीजियस फास्ट है, इनका एक डेस्टिन टाइम है कि आपने इतने दिन का ये फास्ट है। ये सब जो फास्ट है, इनका पर्पस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है, जो कि होता है आपकी बॉडी को इंटरनली क्लेंस करना। जितना भी हम नॉर्मली खाते हैं, कभी गलत टाइम पे खा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो जितना लोड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, तो उन सबको, उस लोड को लाइट करने के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आपके सिस्टम को इंटरनली क्लीन करके अच्छे सेल्स रिजुविनेट हो, इंटरनली हम हेल्दी फील करें, तो ये इनका फायदा होता है। ये शक्ति के दिन होती है, जब हम माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, तो उसकी उपासना, उसकी भक्ति से जो शक्ति हमारे अंदर होती है, वो जो शक्ति सोई हुई होती है, जो सुप्त अवस्था में होती है, वो जागृत हो जाती है और उससे मनुष्य के अंदर आत्मबल, अध्यात्म बल और शारीरिक बल इस मात्रा में बढ़ जाता है कि उसे जो भारी वस्तु जिस पर वो निर्भर है, मुख्य रूप से अन्न और जल, उसकी आवश्यकता धीरे धीरे क्षीण होनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि उपवास दरअसल आत्म शुद्धि का एक माध्यम होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने रूटीन भोजन को त्याग कर संयमित आहार ग्रहण करता है,
तो शरीर में जमा होते जा रहे विषैले तत्व शरीर से बाहर निकलते हैं। इससे पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। पाचन तंत्र दुरुस्त होने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति की वैचारिक पवित्रता भी बढ़ती है। इस दौरान नमक और मसालों से युक्त भोजन का पूरी तरह परित्याग करके फलाहार पर जोर दिया जाता है। शरीर को संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ऋषियों ने इस संक्रमण काल को यमदष्टा काल की संज्ञा दी है। आयुर्वेद के मतानुसार उसके उस समय जो है संयमित आहार विहार करने से और उपवास रखने से शरीर को एक नई शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो है ये दोनों नवरात्रों को जो है शक्ति की उपासना का पर्व कहा गया है, क्योंकि एक और जब शारदीय नवरात्र होते हैं तो शारदीय का शुभारंभ होता है और ये वासंतिक नवरात्र पर जो है गर्मी का शुभारंभ होता है, तो उस बीच में शरीर को उस जो परिवर्तन है उसको सहन करने की क्षमता जो शरीर में आ जाती है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर कठोर उपवासों के दिन तब पड़ते हैं जब मौसम में बदलाव हो रहा होता है। ऐसे में उपवास रखने पर संक्रमण काल की बीमारियों से बचा जाता है। वैसे भी मानसिक कार्य करने के लिए शारीरिक ऊर्जा नीचे से ऊपर मस्तिष्क की तरफ जानी चाहिए, जबकि भारी भोजन करने पर वो ऊर्जा पेट की तरफ जाने लगती है, जिससे एक तरह का असंतुलन बनता है और कहीं ठीक से मन लगने नहीं देता। उपवास एकाग्र चित्त होने में सहायक सिद्ध होते हैं। व्रत उपवास यूं तो धर्म से जुड़ा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू सीधे सीधे इस तौर पर सामने आ जाता है कि उसके बाद आप खुद को कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये दुनिया ही इतनी अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।